Hello everyone. As promised, we are here for the first lecture in the series of lecture which would be done till the time our regular classes resume. So in this lecture I would be taking up international institutions relating to economy. To be very specific, we would be dealing with World Trade Organization, IMF, and World Bank. The plan of lecture would be such that I would be dealing with World Trade Organization, IMF, World Bank, their evolutionary history in this lecture, कैसे क्या evolution हुआ, the general story behind it. After that, in this lecture itself, we will be moving towards some bit of detail of how gradually WTO came into existence. So let us begin our lecture. First, we would be looking at the evolution of all these three institutions: World Bank, IMF, and WTO, World Trade Organization, because their evolutionary history has a common background. The common background is the economic depression of 1929. In 1929, दुनिया में एक बड़ा डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी. कई कारण थे. वी आर नॉट ड्वेलिंग इन टू दोज रीजन्स. वी आर ड्वेलिंग वॉट रिजल्टेड इन फ्रॉम दिस डिप्रेशन. अगर हम आज भी हमारे आसपास आर्थिक मंदी देखें तो शायद पहली चीज़ जो नज़र आती है वो ये नहीं है कि कंट्रीज़ बिकम मोर लिबरल. आर्थिक मंदी के दौरान कंट्रीज़ ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो जाती हैं. प्रोटेक्शनिज्म मतलब जब आप आपके देश की ही कंपनीज, देश की ही फैक्ट्रीज, देश के ही डोमेस्टिक बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करें एंड यू सप्रेस द फॉरेन कंपनीज, फॉरेन प्रोडक्ट्स, फॉरेन फैक्ट्रीज. दैट इज हाउ यू कैन डू इट. कैसे कर सकते हैं आप इसे? मे बी बाय इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी. जो से यूएसए से भारत में आईफोन आ रहा है, आप उस पर टैरिफ बढ़ा दीजिए, इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दीजिए. आईफोन महंगा हो जाएगा, आईफोन की डिमांड कम होगी और शायद जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, डोमेस्टिक मोबाइल फोन्स हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी. तो इस तरीके से यू आर इन अ वे प्रैक्टिसिंग प्रोटेक्शनिज्म. एक दूसरा तरीका, एक चीज़ तो आपने बाहर से आने वाले इम्पोर्ट्स को अपने देश के अंदर सप्रेस कर दिया, लेकिन साथ ही प्रोटेक्शनिज्म के तहत आप खुद के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं. कैसे? मे बी बाय डेप्रिशिएटिंग योर डोमेस्टिक करेंसी. आई होप यू ऑल रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ हाउ अ डेप्रिशिएटिंग डोमेस्टिक करेंसी हेल्प्स दिस कंट्रीज एक्सपोर्ट्स. विल जस्ट रिवाइज इट वंस इन केस यू हैव फॉरगॉटन द कंसेप्ट. सपोज यू हैव पोटेटो चिप्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ से ₹70. दिस इंक्लूड्स, दिस इज इन अ वे MRP. ₹70 यू आर सेलिंग इन इंडिया. एट द सेम टाइम $1 इज इक्वल टू ₹70. सो यू एक्सपोर्ट दिस पैकेट ऑफ चिप्स टू USA इन $1. नेक्स्ट डे योर गवर्नमेंट डेप्रिशिएट्स दिस करेंसी, दैट इज रुपीज डेप्रिशिएटेड, एंड $1 इक्वल से ₹140. नाउ द योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट रिमेन्स ₹70, बट वेन यू एक्सपोर्ट इट, यू विल एक्सपोर्ट इट एट $0.50. सो देर वुड बी मोर डिमांड ऑफ दीज पोटेटो चिप्स और योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दैट इज अ डेप्रिशिएटिंग करेंसी
एनहांसेस दी एक्सपोर्ट्स. दिस इज व्हाट दी कंट्रीज डिड आफ्टर द डिप्रेशन ऑफ 1929. दे डिप्रिशिएटेड देयर करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, प्रमोटेड देयर एक्सपोर्ट्स, एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट्स फ्रॉम अनदर कंट्रीज. वन प्राइम एग्जाम्पल इन दिस केस इज द स्मूट हॉली टेरिफ एक्ट इन 1930. द यूएसए पास्ड इट एंड इट सिग्निफिकेंटली अबाउट फ्रॉम 25% इट रेज द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑफ द आइटम्स कमिंग इन यूएसए टू 35%. व्हेन यू विल इंक्रीज अपने देश में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जब आप टेरिफ इंक्रीज करेंगे तो दूसरे देश भी फॉलो सूट करेंगे और वो भी आपके देश से एक्सपोर्ट होकर उनके देश में आने वाली वस्तुओं के टेरिफ्स बढ़ा देंगे. जब इस तरीके से आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं, मे बी बाय वेरियस मीन्स. वन एग्जांपल व्हिच वी हैव सीन इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. जब आप इस तरीके से खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसे हम इकोनॉमी में बोलते हैं द बिगर दाय नेबर पॉलिसी. तो ये जो डिप्रेशन था 1929 का, इसने एक होड़ सी लगा दी, एक टेरिफ वॉर क्रिएट कर दिया और इस कारण से जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन नज़र आने लगी, इट वाज ऑफ बेगर दाय नेबर. जब इस तरीके से कंसिस्टेंटली इंपोर्ट पर टेरिफ बढ़ते जाएंगे और मतलब इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं पर टेरिफ बढ़ते जाएंगे और करेंसी डेप्रिशिएट होती जाएगी, कुल मिलाकर नतीजा ये होगा कि एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हॉल्ट हो जाएंगे. मतलब वर्ल्ड ट्रेड वुड ऑलमोस्ट कम टू अ स्टैंड स्टिल. और जब वर्ल्ड ट्रेड स्टैंड स्टिल पर आता है तो इट रिजल्ट्स इन अ सिचुएशन जहाँ पर एक कंट्री जो अपनी स्ट्रेंथ का उपयोग करके वर्ल्ड में वेल्थ क्रिएट कर सकती थी, वो नहीं हो पाता है. वही हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि जो डिप्रेशन था इट बिकेम इवन मोर सिवियर. मंदी, जब एक आर्थिक मंदी होगी, कमज़ोर आर्थिक स्थिति होगी, इस कमज़ोर आर्थिक स्थिति में व्हाट जनरली यू एंटिसिपेट इज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर. दिस इज़ व्हाट हिटलर डिड. ही हार्नेस्ड दिस सिचुएशन वेरी इफेक्टिवली एंड एक्सप्लॉयटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. देन दी व्हील वॉज सेट ऑन. In name of nationalism, the World War II begins, and the economic destruction of the world economy is almost complete. After the World War, the countries meet and try to reconstruct the world both politically and economically. The political initiative that was taken, it is United Nations, and the economic initiative that was taken for the reconstruction of the economy after the Second World War, it was Bretton Woods Conference. Bretton Woods Conference was held in New Hampshire in United States of America, and three things were aimed. Of this, the first two, as you can see, that is IMF and IBRD came into existence, but the third, which was aimed ITO, International Trade Organization, it never came into existence. First of all, IMF. Why this conference led to the creation of IMF? We have seen just now that there was competitive devaluation of currency. एक देश ने अपनी करेंसी के दाम कम करे दूसरे देश के कंपैरिजन में, तो दूसरे देश ने उससे ज़्यादा कम कर दिए. द एम वॉज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स. लेकिन जब इस तरीके से करेंसी इसका कॉम्पिटिटिव डिवेल्यूएशन होता जाएगा तो किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा अल्टीमेटली. ऐसा भविष्य में ना हो इसीलिए IMF वॉज क्रिएटेड, ताकि दुनिया में जो करेंसीज का रेट है वो फ्री और फेयर भाव पर ट्रेड हो सके. दूसरा जो इंस्टीट्यूशन बना वो था IBRD, वर्ल्ड बैंक. चूँकि बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो चुका था,
रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी अमीर देशों को भी, खासकर यूरोप के, और डेवलपिंग न्यूली इंडिपेंडेंट, उस वक्त पर कई सारे देश आज़ाद भी हुए थे, तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए कम ब्याज दरों पर या ऑलमोस्ट ज़ीरो ब्याज दरों पर फाइनेंस अवेलेबल हो, इसलिए वर्ल्ड बैंक कंस्ट्रक्ट हुआ। तीसरी चीज़, जो विश्व व्यापार ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस टेरिफ वॉर, अनफेयर ट्रेड रूल्स, इम्पोर्ट, हाई इम्पोर्ट टेरिफ्स, कॉम्पिटिटिव डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी, ऐसा ना हो इसलिए जो इंस्टीट्यूशन एनविसेज करा गया था बनाने के लिए, वो था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑफ अबाउट 56 कंट्रीज, 53 एग्रीड, एंड अमंग द रिमेनिंग थ्री विच डिंट एग्रीड टू ITO, वन वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिना USA के कोई बड़ा समझौता हो पाना उस वक्त पर संभव नहीं था, और इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेवर केम इन टू बींग। बट बाई 1948 द कंट्रीज एग्रीड टू साइन एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। इसका मुख्य एम ये था कि जो वस्तुएं हैं, गुड्स, इट डिडंट मच टॉक्ड अबाउट सर्विसेज। द मेन एम वॉज जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, उन पर टेरिफ कम करा जाए। इसके बारे में हम आगे देख रहे हैं, और यही गैट जो एग्रीमेंट हुआ था 1995 आते आते, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल ले लेता है। लेट अस इन अ बिट डिटेल डिस्कस अबाउट गैट। दिस वी हैव डिस्कस दैट USA डेंट एग्रीड एंड गेट केम इन टू एग्जिस्टेंस। लेट अस डिस्कस सम फीचर्स ऑफ गैट। एज आई टोल्ड यू दैट इट वॉज एम टूवर्ड्स गुड्स, लेकिन गुड्स में सभी गुड्स नहीं थे, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर वर एक्सक्लूडेड। अनदर थिंग टू नोट दैट इट वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो ऑर्गेनिकली खुद को नए नए मुद्दों के साथ डेवलप करता जाता है। गैट जो था वो इंस्टीट्यूशन नहीं था, वो एक एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट किनके बीच में? लगभग 50 देशों के बीच में, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। जो उस 1948 में कागज़ पर लिख दिया गया, वही चीज़ भविष्य में भी एग्जीक्यूट होना थी। इसमें ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन 1950 के बाद 60, 70, 80, 90 आते आते जो दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, उसमें कई सारे बदलाव हुए। विश्व व्यापार बढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा, तो नए ट्रेड के पैमाने उभरने लगे, नए ट्रेड के प्रोडक्ट्स उभरने लगे, जैसे ट्रेड इन सर्विसेज स्टार्टेड, जिसके बारे में तो गैट ने कभी एनविजन नहीं करा था। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये मामले उभरने लगे। जब विश्व व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, तो साथ ही डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। इन डिस्प्यूट्स को सेटल कैसे करा जाए? गैट में इसके बारे में भी कोई डिटेल प्रोविजन नहीं थे। दैट्स वाई बाई 1986 द वर्ल्ड कंट्रीज एग्रीड टू हैव नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, और ये जो नए मुद्दे उभरे हैं, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन्हें किस तरीके से एक फ्रेमवर्क में डाला जाए। ये 1986 में जो बातों का दौर शुरू हुआ, जो राउंड ऑफ टॉक्स शुरू हुए रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इसी को हम कहते हैं उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स। ये उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स फाइनली कल्मिनेट होता है, अपने लॉजिकल अंजाम पर पहुंचता है 1994 में, एक मराकेश ट्रीटी। मराकेश इज़ अ प्लेस इन मोरक्को, तो मराकेश ट्रीटी साइन होती है, और जो और मराकेश ट्रीटी साइन होती है 1994 में, इट लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995 विद इंडिया एज इट्स फाउंडिंग मेंबर। प्लीज़ नोट ऑन मैप, उरुग्वे इज़ जस्ट ऑन द सदर्न टिप ऑफ ब्राज़ील एंड मराकेश इज़ इन मोरक्को। मोरक्को इज़ अ कंट्री इन नॉर्थ
वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. सो दिस इज़ अबाउट दी इवोल्यूशनरी जनरल स्टोरी बिहाइंड इवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ IMFN, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेवलपमेंट फ्रॉम गैट टू WTO. फर्दर वी वुड बी लुकिंग एट दी प्रिंसिपल्स विच गाइड WTO, वॉट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO, सम इम्पॉर्टेंट WTO कॉन्फ्रेंसेज यू माइट हैव हर्ड, दोहा राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, दोहा राउंड ऑफ टॉक्स एंड वेरियस ट्रीटीज अंडर WTO. यू वुड बी सीइंग दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. रिगार्डिंग डाउट्स इन दिस लेक्चर यू मे कॉल मी फ्रॉम 10 to 5 PM ऑन मंडे. I would also be sharing this PowerPoint on our online classroom. You may download it and revise it. Another thing I would also be sharing is the detailed study material regarding WTO. This PowerPoint is a sort of summary from that study material itself. So please go through it as many times as you want. Keep a pen and paper, note down your doubts, and call me on Monday anytime between 10 to 5 PM. Thank you.